एक वोट से चुनाव हारी भाजपा की ऋतु बोली, एसडीओपी ने अपने मोबाइल से निर्दलीय के किसी से बात कराई, जांच हो। निर्दलीय प्रत्याशी मनीराम अहिरवार ने कहा कि किसी ने मेरी गलत शिकायत की, जिससे मुझे एसडीओपी ने बुलाकर मेरे कागजात देखे थे। नगर परिषद खानियादाना में सिर्फ एक वोट से कांग्रेस की छाया साहू अध्यक्ष निर्वाचित हो गई थी। अध्यक्ष चुनाव के दूसरे दिन भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर ऋतु जैन ने एसडीओपी दीपक तोमर के कॉल की जांच कराने की मांग की है। डॉक्टर ऋतु का कहना है कि चुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी मनीराम अहिरवार की अपने मोबाइल से बात कराई थी, इसके बाद निर्दलीय पार्षद के एक वोट से चुनाव का समीकरण बदल गया। डॉक्टर ऋतु अपनी हार के बाद इस मामले में एसडीओपी दीपक तोमर की मोबाइल कॉल की जांच कराने की मांग कर रही हैं, ताकि असलियत पता चल सके कि चुनाव के दौरान पिछोर एसडीओपी ने अपने मोबाइल से निर्दलीय पार्षद मनीराम अहिरवार की आखिर किस व्यक्ति से बात कराई थी। दरअसल खानियादाना में भाजपा 8 वोट से में बहुमत से चल रही थी, लेकिन एकाएक राधा अंकित चौहान ने कांग्रेस की सदस्यता लेकर पूरा समीकरण ही बदल दिया था। राधा अंकित चौहान के दल बदलने से भाजपा कांग्रेस 7-7 वोट के साथ बराबरी पर आ गई थी। चुनाव में निर्णायक भूमिका एकमात्र निर्दलीय पार्षद मनीराम अहिरवार की रही। छाया साहू को 8 वोट मिले और एक वोट से जीत दर्ज करके अध्यक्ष पद हासिल कर लिया गया। वहीं इस संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष सत्यप्रकाश भरदेलिया का कहना है कि पिछोर एसडीओपी तोमर द्वारा चुनाव प्रक्रिया को बाधित किया, यह गंभीर विषय है, हम इस मामले को वरिष्ठ स्तर पर रखेंगे और कार्रवाई कराएंगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मनीराम अहिरवार ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि किसी व्यक्ति के द्वारा एसडीओपी दीपक तोमर से शिकायत की गई थी कि पार्षदों में एक पार्षद नहीं है और वह अंदर आ गया है, जिससे मुझे एसडीओपी दीपक तोमर ने बुलाया और बुलाकर मेरे कागजात देखे एवं देखकर मुझे अंदर भेज दिया और कहा कि मैं पहले से ही कांग्रेस की मानसिकता का हूं, इसी से मैंने कांग्रेस के पक्ष में वोट लिया है। भाजपा के पक्ष में काम करने वाली के बात कहते हैं तो गले भी उतरती है, शायद सरकार के चक्कर में किया हो, लेकिन उल्टा कर रहा है। इससे ये जाहिर होता है कि उनका मानसिकता हार को छुपाने की है कि अपनी हार को कैसे छुपाए, तो उनको बहाना चाहिए। ये चुनाव हम हारे नहीं है, हमें ये चुनाव स्थानीय विधायक केपी सिंह ने प्रशासन के साथ मिलकर ये चुनाव हरवाया है। एक निर्दलीय प्रत्याशी जो था भाजपा को समर्थन कर रहा था, वो उस पर स्थानीय विधायक के द्वारा दबाव डाला गया। पहले तो उसकी जेसीबी मशीनों को जब्त करवाया गया निजी तौर पर, उसके बाद भी जब बात नहीं बनी तो जब वो वोट डालने अंदर परिषद में पहुंच गया तो एसडीओपी के फ़ोन पर फ़ोन लगाकर उस निर्दलीय प्रत्याशी से बात की गई और उस पर दबाव बनाया गया कि भाजपा को वोट ना करे। जी सर, सब झूठी बात है। मैं ना किसी अधिकारी को जानता था और ना मैं किसी मेरी ऐसी कोई बात करी। मैं अंदर नगरपालिका के अंदर वोट करने के लिए गया, वहाँ कुर्सियों पर बैठे थे हम लोग, किसी ने जानकारी उन्हें गलत दी हो या क्या, तो उनने मुझे बुलाकर किनने बुलाया एसडीओपी साहब ने, मैं जानता नहीं था, मैंने देखा भी नहीं था एसडीओपी हैं या कोई, मैंने निगाह नहीं दी इतनी। उनने मेरे लिए बुलाया और बोला कि तुम अपने डॉक्यूमेंट बताओ, तो मैंने उन्हें डॉक्यूमेंट बताया, उन्हें देखे, कुछ उन्हें शंका सी लगी तो मैं इतना देर तक देखा रहा कागज वागज देखता है, उनने बस बोले चले जाओ, मैं जाकर भीतर पहुंच गया, अपना वोट करने के लिए बैठ गया। इसके बाद में पूरी प्रक्रिया होने के बाद मैंने वोट डाला, वोट डालने के बाद में अब ऋतु चौधरी का लगाना आरोप जो है कि मतलब इनकी कोई ऐसी बात हुई तो मेरी तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। इसके बाद में मैंने वोट डाले, जी हार गई तो अब ये मेरे पे गलत आरोप लगा रही हर तरह के, और ये कह रहे मेरी शासन है, मैं तुम्हारे लिए हर तरह से परेशान करूंगी, जान से मारने की धमकी दे रही, गुंडन की बोल रही थी ऋतु चौधरी और भानु जैन, और जो उनके मिलने वाले हैं मतलब धौंस दे रहे जी सब तरह से, प्रायोजित कर रहे। इसके बाद मेरा कहना आपसे ये है कि मतलब झूठा जवाब बना के मुझे दबाव बना रहे हर तरह से, आरोप लगा के परेशान करने की और जान से मारने की धमकी दे, अगर कौन कुछ होता है तो जिम्मेदार जो है जो आरोप लगाएंगे इनकी जिम्मेदारी ऋतु चौधरी और भानु जैन होगा, जो भी मेरे अगर किसी साथ दुर्घटना होती है कुछ भी होती है
इसका जिम्मेदार ये होंगे किया है, मतदान को प्रभावित निश्चित रूप से किया है। जब निर्वाचन अध्यक्ष निर्वाचन प्रक्रिया अंदर चल रही थी, पीठासीन अधिकारी तहसीलदार और सभी लोग अंदर मौजूद थे, हम 15 पार्षद अंदर थे, तभी किसी ने बाहर बुलाया तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो निर्दलीय पार्षद था, जिससे हमारा कमिटमेंट था कि भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, मैं भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी थी, उसको बुलाया और SDOP ने उनसे 10 मिनट करीब किसी की बात करवाई। आपके सामने बात करवाई थी? जी, मैंने बाहर जाते हुए देखा और वो फ़ोन पे बात करवा रहे हैं, ये देखा। अब आपकी क्या मांग है? अब मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी कॉल रिकॉर्ड हो, SDOP को पूरे ऊपर से आदेश है SP साहब करें और पूरी कॉल रिकॉर्ड हो, साइबर क्राइम इसमें चलता हो, जहाँ से भी ये जांच होती हो उस वहाँ से पूरी बात आए और जांच हो, SDOP की कॉल रिकॉर्डिंग हो उस समय की, वो किससे बात कर रहे थे, कहीं से ना कहीं से भाजपा जो समर्थित पार्षद था उसके ऊपर दबाव आया है।